खूबसूरत मुल्क स्पेन में रीपोजेस्ड खूबसूरत प्रॉपर्टीज एट वेरी गुड प्राइस। मालागा माबेला में अवेलेबल हैं। कॉन्टेक्ट के लिए रजू करें मिस्टर लियाकत के साथ। टेलीफोन नंबर 7961332092। हमारी वेबसाइट विजिट करें। काल जी आई नू साड़ियाँ सा रखना ते जर्मनी वाले, स्पेन वाले, फ्रांस वाले, बेल्जियम वाले, हॉलैंड वाले, नॉर्वे वाले और जिते जिते तुसी बैठे हुए हो साड़ा प्रोग्राम देख रहे हो, तुहानू पता है कि साड़ा प्रोग्राम जिहड़ा वी खसूसी तौर ते असी गुड मॉर्निंग यूरोप शुरू कीता तुहाडे वास्ते, तो तुसी जिहड़े कुछ प्लीज़ तवज्जो फरमाओ और फटाफट कॉल करो और जरा दसो कि पाकिस्तान अंबैसी या इंडियन अंबैसी या श्रीलंकन या जड़ी भी अंबैसी तुसी बंगलादेशी अंबैसी जानते हो। अगर इस वे मेरे छोटे छोटे भैन भरा जो बंगलादेशी ने वो वेख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, तो वो भी मेरे प्यार से उठे और बड़े मुझे बताएं कि बांग्लादेश अंबैसी में जाने के बाद उनके साथ क्या सलूक हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। प्रोग्राम का मकसद इस्लाह ब्राय इस्लाह है। टॉपिक हम वीनस टेलीविजन वो लेके आता है जिसमें हम चाहते हैं कि पब्लिक की कोई भलाई निकले, कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे इस्लाह हो सके। और फिर आपके तजर्बा से अभी तक तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर बंदे ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत उनके साथ सलूक किया गया, अच्छा किया। ख़ासतौर पर जर्मनी से एक पैन साड़ी आई तो उन्हें क्या कि अगर थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन सही ने तो उसी ए टू जैड उन्होंने क्वालीफाई कर दो, फिर थोड़ा काम मिनटा च हो जाता, बल्कि बड़ी फुर्ती थोड़ा काम करते हैं। तो इस वजह न अगर तुम कोई करना चाहते हो गल तो लै लें जी अपनी कॉलर न। हैलो सलाम अलैकुम। हैलो सलाम अलैकुम। गुड गुड मॉर्निंग। वो ऐसे मालूम हो रहा है ब्रेक में वो इंतजार कर रहे थे तो अभी तक वो। हेलो जी ले लें। सलाम अलैकुम जी। हेलो जी सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी जी दसो जी की कहना चाहते। मेरा नाम सुमिंदर सिंह है जी। सुमिंदर साहब मैं 40 मोर देन 40 इयर्स इस कंट्री च रह रहे हां। ठीक है जी। ते मैं पासपोर्ट नवा बनवाना सी, पहले एक्सपायर हो गया सी। ते मैं इंडियन एम्बेसी नु एप्लीकेशन फॉर्म लेके गया ते उठे फार्म जो मैं दिता, मैं क्या उन्होंने पूछा मैं किन्ना चिर लगेगा, वो कहिंदा जी 2 वीक लगनगे। ठीक है। 2 वीक तो बाद पासपोर्ट लै जो। मैं जो 2 वीक हो गए तो उदू बाद मैं गया किन्ने मेरे मोहरे बंदे सी, जद नूं क्लोजिंग टाइम हो गया वो कहिंदे सॉरी वी कांट इशू एनी मोर पासपोर्ट, हुण टाइम हो गया टू गो होम। अच्छा। ते मैं चुप करके घर आ गया। ठीक। दूजी बार फिर मैं गया ते इसे तरह ही इदां ही होई, मोहरे बंदे सीगे ते वो कहिंदे भाई सॉरी वी कांट इशू हुण टाइम टू गो होम। ओके। तीजी बारी मैं जरा अपने मुंडे नूं रसीद दित्ती, मैं क्या लै जाओ मेरा, वो उत्थे सिटी च कम करदा सी, मैं क्या आ रसीद लै जा ते आउंदा होया मेरा पासपोर्ट लै। जद वो गया ते उहदी बारी आई तो कहिंदे नहीं जिहड़ा पासपोर्ट है उहनूं भेजी। हाँ जी। तीन बार हो गए ते चौथी बारी जदों मैं आप गया ना जी ते उही पहले वाली उन्होंने रिपीट की सॉरी टाइम टू गो होम, मैं उच्ची उच्ची शाउट करन लग पिया। मैं जिदा ना इंग्लिश दे विच मैं क्या हे आर वी आर यूअर बॉस नॉट यू आर अवर बॉस एंड यू आर सिटिंग एट दिस चेयर बिकॉज ऑफ अस। मैनू कहिंदा जी आ जाओ तुसीं अग्गे आ जाओ। ठीक है। हाँ जी। ते मैं फिर उन्होंने कहा मैं क्या मैं आई वॉन्ट टू नो वाई यू डिडंट इशू पासपोर्ट टू माई सन, आई गिव हिम रिसीट ऑफ यू नो दैट एप्लीकेशन फॉर्म ते इधर एनीथिंग रॉन्ग आई मेड यू नो एनी मिस्टेक इधर एनी लाइक दिस ते वो मैनू कहंदा नथिंग रॉन्ग ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक। ते वो फिर मैं क्या व्हाई यू डिडंट गिव पासपोर्ट टू माय सन, ते वो कहंदा आई कांट गिव दिस आंसर मे बी समवन एल्स यू नो ऑन द काउंटर। सही। तो ये चीज़ मैं उन्होंने कहा मैं क्या तुम इतने आए हैं इंग्लैंड तो कोई चंगी चीज़ सीखो इतने जो हम बैंकों के एंटर हो जाओ क्लोजिंग टाइम तो पहले जिन्हें बंदे कोई भी है गया, एंटर हो गए वो जिन्ना मर्जी टाइम हो जाए उन्होंने सर्व करते हैं। बिल्कुल सही। हाँ जी। कोई भी मैं क्या इतने आ गए तुम ही इंडिया वाली जी गल रखते हैं भी असं जी पब्लिक हैगी एवं जिदा कहने ना दुखी तिकी हैगी बहुत बड़े है। सही। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी। अगली कॉल लेने हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहां से जी? मैं हेलो जी जी, जी, जी आप 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 आई जी, जी जी मैं यही वो जो ये भाई साहब बात बात कर रहे थे ना
उसी मसले में मैंने भी बात करनी है। मैं 1963 में लंदन में आई थी, ठीक। फिर उसके बाद 70 में मुझे नेशनलिटी ब्रिटिश होम ऑफिस वालों ने मुझे दे दी थी, लेकिन कुछ ऐसे हुआ कि मेरे से ना वो नेशनलिटी जो है ना वो मेरे से खो गई थी। मैंने एम्बेसी को होम ऑफिस को लिखा था, उन लोगों ने मुझे ना एक लेटर इशू किया था, वो है। कहते हैं कि ये कहीं भी दिखा देना तो वो तुम्हें वो इस ये काम आ जाएगा आपके यहाँ। क्या हुआ कि वो मेरा जो जब पासपोर्ट बना था नेशनलिटी मिली थी, उन्होंने मेरा पासपोर्ट जो है ना वो पाकिस्तानी एम्बेसी को भेज दिया था। पता नहीं उस वक्त कोई ये कोई रूल होंगे, मुझे कोई पता नहीं है। तो मैं जब उनके पास गई, फिर मैंने अपनी फोटो स्टेट पासपोर्ट की थी मेरे पास, वो भी मैंने दिखाया पाकिस्तानी जो था, और वो भी मैंने लेटर दिया, तो उन लोगों ने मुझे इतनी बुरी तरह से, आपको मैं बता नहीं सकती, कि मैं रोने के करीब हो गई थी। इतना मुझे उन्होंने परेशान किया, एक एक के आगे उसको भेज रहे हैं, उसके पास भेज। देखिए ना, मैं अभी मेरी उम्र भी इतनी, आप अंदाजा करें कि इंसान जब ऐसे होता है कि फिर एक औरत को इस तरह मतलब तंग करना कितनी बुरी बात है, और इन लोगों ने मुझे पासपोर्ट नहीं दिया। मुझे कहते हैं नहीं, तुम पाकिस्तानी नहीं हो। अच्छा। आप बताएं ये कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। सही बात है। तो इतना परेशान किया, फिर उसके बाद मैंने रुख ही नहीं किया उस तरफ, मैं गया ही नहीं हूँ फिर। जी ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं कि वो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं कि क्योंकि दरअसल मेरा जो समझ है कि जो स्टाफ है एम्बेसी का, उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं दी जाती या उनको इतने इख्तियारात नहीं दिए जाते कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वो मांगें, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट करें, और उनके पास अथॉरिटी नहीं होती कि एक्सेप्ट करके आपको पासपोर्ट इशू कर दे। तो इसलिए वो एक के बाद दूसरे पे वो बोझ डाल देते हैं कि तुम करो, तो वो करेगा, और जो कस्टमर है वो ख़राब होते हैं। बिल्कुल आपने सही जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो शटल कॉक की तरह आपको इधर से उधर, वो बल्ला चिड़ी नहीं जो खेलते, इधर से उधर उड़ाते हैं, उधर से उधर उड़ाते हैं, उधर से उधर उड़ाते हैं। लेकिन मैं जो पिछले साल गई थी तो मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत हुई, और इनफैक्ट मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा प्रोटोकॉल मिला, मुफ्त के समोसे भी खाए और बिरयानी भी खाई, और काम भी बहुत जल्दी हो गया। लेकिन बात ये थी कि वहाँ पर डिसेबल किसी भी खातून के लिए या डिसेबल बंदे के लिए कोई एक्सेस नहीं थी बिल्डिंग के अंदर जाने की, ये मैंने काफ़ी शोर मचा के उनको बताया था। अब होगी हो तो बहुत अच्छी बात है। लेते हैं जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। बेटा बन गया, मेरी बेटिया ने रखड़ी बनी सी ओबियसली, जो शादी इंडिया वापस गया तो शादी होने वाली सी, उन्हें मेनु स्पॉन्सर किया। डैडी बेचारे बीमार भी सी, दिल्ली गए जाके सारा पेपर वर्क करवा के लिया, अजीब गरीब जहा बंदा सी, मैं समझ नहीं की प्रॉब्लम सी। बहरहाल वो मैं कहते नहीं लग सकता, मैं मैं रीजन दे, कहते रीजन यह है कि मैंने ये शक है कि तुम इंडिया जाके सैटल हो जाओगे। तो मैं उन्होंने कहा, मैं एक रीजन दस कि ब्रिटेन को इंडिया की इकोनमी बेशक बूमिंग, कहते हैं सारी इकोनमी बूम कर रही है, उसे जाके मैं क्या, मैंने बंबे की सड़कों से सोन का कोई शौक नहीं है पेमेंट से, मैं सिंपली जा रही हूँ, मेरा बेटा है, उन्हें मैंने इन्नी ख्वाहिश देना, मेरी खातर उन्हें शादी रोकी हुई है, आई वॉन्ट टू गो देयर, उन्होंने मैंने टोटली रिफ्यूज करता। उस बंदे मेरा अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ कि वाई, और रीजन मैंने उन्होंने दिता है वॉज नॉट वैलिड रीजन कि इंडिया जाके कानू कोई सैटल होएगा। इंडिया इज अ गुड कंट्री, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इट, सारे फ्रेंड्स ने सारा कुछ है, आखिर अगर मैं बेटा बनाया तो मैंने तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी किसी तरह की, एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं जाके देखांगी, और एंड ही होया जी कि उन्होंने मैंने वीजा रिफ्यूज करता। मैं पाकिस्तान गई, पाकिस्तान को वीजे वास्ते ट्राई किया, दे रिफ्यूज, फिर मैंने कहा बेटा शादी कर, वाघा बॉर्डर से आ जा, मैं तेरी वाइफ देख लवानी, मेरा एंड अच्छी होया। जी बाबा शुक्रिया, तजर्बा सी, और मेरा ख्याल है कि लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग यूरोप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने भी एक शिकायत करनी है पाकिस्तान एम्बेसी के लिए। जी फरमाइए।
जी शिकायत ये है कि मेरे को भी इन्होंने बहुत खराब किया था, मेरा दिल इतना दुखा था मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता, दिल टोटे टोटे हो गया। और साथ आप सलूशन भी बताएं कि उनको कैसे करना चाहिए ताकि किसी और के साथ वो सलूक ना हो सके। जी बोलें। जी शिनाख्ती कार्ड मेरे बच्चे का बना हुआ था जी, तो वो गुम हो गया था उसका जी, फिर मेरा दोबारा मेरा शिनाख्ती कार्ड बच्चे का बनाने के लिए गए तो वो कहते हैं ये तुम्हारा बच्चा ही नहीं है, इसकी तस्वीर मिलती नहीं है। सही बात। हम पाकिस्तान में भेजते हैं तो फिर इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने के लिए भेजा तो 2 साल लग गए, देखें ओह माय गॉड, तो 2 साल के बाद भी मेरा शिनाख्ती कार्ड नहीं बना रहे। मैंने पाकिस्तान में फिर 70,000 रुपया दिया तो उसी वक्त 2 दिन के बाद मेरा शिनाख्ती कार्ड बन गया। बस ये अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैं। और हमारे जो एम्बेसीज यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है कि ये नहीं हो सकता कि ये साहब अपना शिनाख्ती कार्ड लेके जाएं और जिस शख्स ने आपका खास तौर पे जिस जो इस अथॉरिटी पे था, जो इस कुर्सी पे बैठा हुआ था, उसने आपका शिनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया था, आप उसको जाके दिखाएं और कहें कि ये मैंने 70,000 दे के बनाया था। जी मैं लंदन से शाकिर बात कर रहा हूँ। मेरा एक मसला है छोटा सा मुख्तसर सा, कि मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ आया था 2011 में जी जी, और शायलम अप्लाई किया था तो वो मेरा केस होम ऑफिस में ही पास हो गया था जी। तो अब इसको तकरीबन 1.5 साल गुजर चुका है और मैंने वकील से बात की तो वो कहते हैं जी आप जो वो ब्लू पासपोर्ट उन्होंने ट्रेवल के लिए दे दिया है, और वो मैंने कहा कि अब हम जो है नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, तो उसने कहा जी 5 साल के बाद, तो क्या ये कोई ऐसी सूरत है पहले नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम? ठीक, आप अपने वकील मेरा सवाल यही है जी। थैंक यू वेरी मच, आप अपने वकील से मशवरा करें, मेरे ख्याल वो आपको ज्यादा सही इंफॉर्मेशन देंगे और एम्बेसी में भी जाके पता कर सकते हैं। लेते हैं अगली कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाय ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, जी फरमाओ। बहुत अच्छी लग रही है आज, मेरा दिल करते है आपसे मैं भी लूं ऐसे हगियां जफियां पाइए। इतने अच्छे लगते हैं ना दोनों, मियां बीवी आते हैं ना एक साथ, आपका तो मतलब है चांद सूरज की जोड़ी है, चांद मैं हूँ सूरज ही है। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्योंकि कॉलर्स बहुत ज्यादा हैं, हम जल्दी जल्दी चाहेंगे सबके व्यूज लें और फिर इसका कंक्लूजन भी निकालें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी लियाकत साहब। जी जनाब। और आपको आपकी साथ बैठी मोहतरमा सरोवर बहन जी, ये मेरी वाइफ है। बहुत बहुत सलाम, पहली बार मेरी जी मैं कॉल की है और पहली बार ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी गई है। शुक्रिया, थैंक यू। आप दोनों का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, हल्का फुल्का करते हैं जी जी, और लोगों को एंटरटेन करते हैं, यही इंसान की जिंदगी का मसलक होना चाहिए। सही बात, एक दूसरे को खुश रखना, दूसरों को खुशियों बांटना। सरोवर बहन जैसे लोगों की खिदमत कर रही है, वो ब्यूटी टिप देती हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा काम है कि हमारी और खवातीन को बाहर नहीं जाना पड़ता। सही बात। और अभी उन्होंने एक मशवरा दिया था, मैं उस पर लाइट कमेंट देना चाहूंगा जी। उन्होंने एक बार मेरे भाई को कहा कि भाई जाएं आप वो 70,000 पाउंड वाला वो रुपए वाला कार्ड उनके सामने घुमाएं जरा जी जी बिल्कुल, तो ऐसा ना हो मेरी बहन की वो जाए और वो पुलिस वो जब्त कर ले। ये भी सही है, फिर उनका 70,000 रुपए फिर दोबारा देने पड़े, सारा काम ही पुठा पै जाए। बिल्कुल सही है, पाजी तां लेके जाना पड़ा शिनाख्ती कार्ड। तो लेते हैं अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज मिसेस अली, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एडिनबरा। माय एक्सपीरियंसेस विद द पाकिस्तानी एम्बेसी हैव बीन न्यूमरस टाइम्स एंड आई फाउंड देम टू बी अनएजुकेटेड, एब्सोल्युटली अनरिस्पेक्टेबल। I've actually gone into the embassy and I've spoken to the staff and they've turned around and said, excuse me madam, aap English bol rahi hain kyon, aapko Punjabi Urdu nahi aati? To maine kaha aap UK mein baithe hue hain, aap Pakistan mein nahi hain, aapko English nahi aati? To wo kehte hain oh aapki English too fast hai, to hame samajh nahi aati. Achha. And generally
a lot of the people that I know have got experience, and the reason is because those people are related to each other. They are not trained, and they're not at the level they should be on their merit to get those jobs. Their job is to service us, the customer. And we live in this country. We're born and bred in this country. We don't know the rules and regulations of Pakistan. They should be fully aware. But I have had experience when there's young mothers with babies. They're rude to them. They throw their documents at your face. They absolutely discredit our country. And it's a shameful thing to say, I'm sorry, because I'm a Pakistani. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने ये पॉइंट रेज किया है, ये अच्छा किया है, लेकिन अगर सब लोग वहाँ जाके कंप्लेन करें तो मे बी वन इन अ बिलियन चांस दीज पीपल विल टेक नोटिस एंड मेक चेंज बट अनफॉर्चुनेटली देयर जॉब इज टू हेल्प अस. Yeah, sure. Absolutely right. But what is your suggestion? How can they improve their services? Can you can we have your suggestions, please? My suggestion is that people who work in those embassies should be either trained from here. Right. They should be people who are educated from here. Okay. Or secondly, if they're coming from Pakistan, then they should not be on a relationship basis. They should be trained as if they're working in the UK. Right. Likewise, when we go and work in abroad in a country, we have to know their language, you have to know their customs, and they have to understand that a majority of British Pakistanis don't have any experience of Pakistan. Absolutely. And वो लोग इस्लामाबाद में नहीं बैठे हुए, उनका जो रवैया है, जो जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, जिस तरीके से वो पेश आते हैं, and you know, they look down on you as if you're going there and you're begging them to do something. That shouldn't be the case. हम लोग जब वीजे के लिए जाते हैं, आपको पता है वीजे की फीस कितनी है? We pay for their wages. We pay for them doing us a service. And they represent our country. Right. So surely the best of the best people should be there. And also I think they should bring in young people. I mean, obviously not teenagers, but you know, young educated people, university graduates who are well-groomed, well-etiquette, they have manners. And because, you know, when you're in an embassy, you're dealing with every nationality. Right. आप सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ तो नहीं डील कर रहे ना? नहीं नहीं बिल्कुल आप सिर्फ पाकिस्तान में बहुत प्यारी इन्होंने जो शिकायत थी वो बड़ी दुखी थी और जो उन सजेशन थी मेरा ख्याल सब बहुत प्यारी थी. It was excellent. पाकिस्तान में बहुत एजुकेटेड यंग लड़के और लड़कियाँ हैं who need good jobs और उनको क्योंकि जो जैसे इन खातों ने बताया कि वो बूढ़े लोग हैं ज़्यादा एज के उनको रिप्लेस करना चाहिए यंग और मच मोर एजुकेटेड लोगों के ताकि हमारी मुल्क को अच्छी तरह प्रजेंट करें और रिप्रजेंट करें और अच्छी तरह कस्टमर सर्विस भी दें. जी लेते हैं कॉलर. जी लेते हैं नेक्स्ट कॉलर. गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी तो मैं फिर आ गई. जी फरमाइए. जी तो मेरा जी बताएं कोई पाकिस्तान एम्बेसी में कोई हुई है ऐसी बात? कट गई थी लाइन. जी दसो जी. मैं बस आपकी तारीफ ही करनी थी तो जो आपका टॉपिक है वो मेरा इतना नहीं तजर्बा मैं उस चीज पे नहीं. कोई बात नहीं. थैंक यू वेरी मच. आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का दोबारा करने का और आपकी तारीफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया. वो भी जरूरी होती है हमारे लिए. एक फीडबैक होती है कि हमारा अगर प्रोग्राम अच्छा है तो वो आप लोगों के लिए होता है. अगर हम अच्छे हैं तो आप लोगों के लिए यही प्रोग्राम होता है. लेते हैं जी अगली कॉल. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी जनाब. हाँ जी मैंने कॉल इसलिए की है. मैं सुबह से आपको प्रोग्राम देख रहा हूँ कि जो भी बंदा कॉल करता है वो कंप्लेन ही कर रहा है. जी जी. लेकिन मैंने इधर कॉल की है. मैं सॉरी मैंने मेरा नाम सलमान है. मैं लंदन से कॉल कर रहा हूँ. जी सलमान. जी सलमान सर. जो भी बंदा है वो सुबह से पाकिस्तानी एम्बेसी की कंप्लेन ही कर रहा है. लेकिन जी मैं कॉल कर रहा हूँ मैं अप्रिशिएट करने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी के अमले को. जी जो 500 से 700 बंदों को एवरीडे डील करता है बंदा
ये उनका ही हौसला होता है कि वो जो उधर सुबह से लेके शाम तक जो 500-700 बंदे को डील करते हैं और उनका काम करते हैं। जी जी, मैंने नहीं देखा कि सुबह किसी ने, सुबह से किसी ने भी उनको अप्रिशिएट किया हो कि वो 500-700 बंदे को डेली डील करते हैं। सॉरी आपकी बात काट रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि एक बंदा 500 बंदों को क्यों डील करे, क्यों नहीं वो ज्यादा एम्प्लॉयज रखते, ताकि मेरा ख्याल ये भी एक प्रेशर होता है। Have you ever been to the Pakistani embassy? Yes, I've been there. They're long queues. Let me just tell you, they have more than 15 to 20 staff there. लेकिन जितने उधर लोग जाते हैं अपने काम करवाने के लिए, अब मैं, मेरे बेटे, मैंने अपने बेटे का आईडी कार्ड बनवाना था, मैं उधर गया पाकिस्तान एम्बेसी में, एंड आई फाउंड देम वेरी हेल्पफुल। ठीक है, उधर एक बाबा जी थे जी, मैंने उनको बोला कि अंकल मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट है हाफ पास वन पे, तो मैं हॉस्पिटल भी जाना है और इधर लाइन भी बहुत लंबी है, इज देयर एनी वे यू कैन हेल्प मी आउट। बोला बेटा आप ये नंबर लो, ठीक है, आप जाओ, आप जब फारिग हो गए, अगर आप 3 बजे से पहले वापस आ गए तो मैं इंशाल्लाह आपको जैसे तैसे मैं आपको जो है ना लाइन में लगवा के आपका काम करवा दूंगा, इवन इफ द काउंटर्स आर क्लोज, यू डोंट वरी, यू गो टू योर अपॉइंटमेंट एंड देन यू कम बैक। मैं गया, मैं बहुत लेट हो गया, मैं 4 o'clock वापस आया, उन्होंने कहा सॉरी बेटा अब बहुत लेट हो गया, अब मैं नहीं करवा सकता, आप किसी दिन और आना, मैं इंशाल्लाह आपका काम करवा दूंगा, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपने काम करवाना है पहले आप जाओ उधर जाके पता करो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ प्रॉपर और फिर जाके, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है एंड दे आस्क यू फॉर समथिंग एंड यू स्टार्ट कंप्लेनिंग कि वो मुझे कह रहे हैं जी फलाना डॉक्यूमेंट लाओ, जब एक रिक्वायरमेंट है, आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे तो वो कैसे आपका काम करेंगे। बिल्कुल, PIA है, PIA के बारे में ऑल ऑफ दीज गाइस कंप्लेन एंड कंप्लेन एंड कंप्लेन। I used to work for United Airlines, the world's biggest airline. मैंने जो PIA का स्टाफ है, उसको United Airlines से ज़्यादा अच्छा पाया है। ठीक है। शुक्रिया आप, आज हम एम्बेसीज के ऊपर बात कर रहे हैं, PIA की टॉपिक भी इंशाल्लाह ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि इस आवर नेशनल एयरलाइन है और पीपल आर हैविंग बैड एक्सपीरियंसेस, तो अभी ये था कि यूरोपियन यूनियन में उनको बता, यूरोप में एंट्री के लिए मना कर दिया था कि सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, तो ये भी इशू हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के ऊपर और सॉरी एम्बेसीज के ऊपर, तो लेते हैं हम नेक्स्ट कॉलर, लेते हैं जी हम ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लेंगे, चले जी, आप कहते हैं ब्रेक करेंगे, और ये ब्रेक बीबी जो है ना ये भी बेचारी क्यू में होती है कि मुझे ले लें, तो मैडम आप जल्दी से आ जाएं और हम लेते हैं ब्रेक, तो देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप विद स्नोबर एंड लैकेट, मिलते हैं।